तो रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड की जो रेटिंग्स कह लो या फिर व्यूअरशिप कह लो वो तो भैया 2.2 मिलियन आ गई, लेकिन रिसेंट स्मैकडाउन के शो में जो फैंस हैं उनकी भी बिल्कुल कमती नहीं थी, क्योंकि जो नंबर आया है सामने नंबर ऑफ फैंस का उसको सुन के आप लोग होने वाले हैरान और कहोगे भैया स्मैकडाउन में भी इतनी ऑडियंस आती है। साथ ही में जेफ हार्डी भी रिसेंटली स्पॉट किए गए जब वो कर रहे थे फैंस से मीट एंड ग्रीट, उसके बारे में भी बात होगी। रोमन रेंस को लेकर WWE ने कुछ बड़े प्लान्स के अंदर किए चेंजेस और एक बड़ी रिटर्न भी हो चुकी है टीज रिसेंट स्मैकडाउन के बाद। सो विदाउट wasting any time, let's begin this video. तो वीडियो पहले शुरू करने वाले recently SmackDown के हुए एपिसोड के बारे में, जहां पर मेन इवेंट के अंदर पॉल हेमन हो चुके हैं फायर और लेसनर ने बचाया एक तरह का पॉल हेमन को। अब शो पर वैसे और काफी सारी चीजें होती है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेन इवेंट सीन था उसने पूरा SmackDown गजब का कमाल का बना दिया। बाय द वे जो व्यूअरशिप है वो तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताई गई थी, बता दी थी, वो 2.2 मिलियन के अराउंड आई थी, लेकिन जो फैंस आए थे इस हफ्ते SmackDown में वो 10,000 से भी ज्यादा आए थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जो नंबर आया सामने उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। यहां बताया जा रहा है कि 95% जो वेन्यू है वो था पूरे तरीके से सोल्ड आउट और 10,140 के आसपास टोटल यहां पर फैन आए थे। और ये बैक टू बैक हुआ है जब स्मैकडाउन के अंदर 10,000 से ज्यादा ऑडियंस आ रही है। पिछले हफ्ते भी 10,000 के आसपास ऑडियंस आई थी स्मैकडाउन में और इस हफ्ते भी 10,000 के अराउंड ही ऑडियंस पहुंच चुकी है स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बहुत ज्यादा तगड़ा नंबर है। कहां मैं देखूं मंडे नाइट रॉ को, तो भैया मंडे नाइट रॉ 4 से 5 हज़ार टिकट सेलिंग के अंदर भी बस हो जाता है कि भैया अब नहीं टिकट सोल्ड आउट हो रही। AEW की बात करूं, AEW की कई शोज 10,000 में पहुंच तो जाते हैं लेकिन बहुत कम होता है, वरना उनके भी शो 6 से या फिर 7,000 के आसपास रह जाते हैं। और भैया यहां स्मैकडाउन देख लो, पिछले 2 हफ्तों से लगातार 10,000 टिकट सोल्ड आउट हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत स्ट्रांग नंबर है। और सबसे बड़ा जो योगदान है वो लेसनर और रोमन पॉल हेमन कर रहा है। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जेफ हार्डी के बारे में जुड़ी है। अब जेफ हार्डी ने जैसा अनाउंस किया था कि रिसेंटली फैन से मीट एंड ग्रीट करेंगे जब वो बैंड या फिर कॉन्सर्ट के अंदर हमें आते हुए नजर आएंगे, और फाइनली एक फोटो आई है सामने उसी मीट एंड ग्रीट की, वो फोटो आप लोग देख पा रहे होंगे जहां पर जेफ हार्डी बड़ी तगड़ी एनर्जी में लग रहे हैं और फैंस के साथ हमें फोटो वगैरह खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। लगे ऐसा रहा कि जेफ हार्डी पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बेहतर है। अब वो कब तक एक बार फिर से प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर वापसी करेंगे, क्या वो WWE के अंदर आएंगे वापस या फिर वो AEW में जाएंगे, तो बाद में पता लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल कुछ इस वे में जेफ हार्डी हमें फैंस के साथ मजे करते हुए नजर आ रहे हैं। जो नेक्स्ट अपडेट है वो हमारे ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। और रिसेंटली स्मैकडाउन के लेकर रोमन रेंस के जो प्लान्स हैं WWE ने उनमें भी बड़े चेंजेस किए थे। ये अपडेट आती है सामने रिंग्स एंड न्यूज की तरफ से, और रिंग्स एंड न्यूज ये बात रिवील करते हैं कि पहले WWE ने प्लान ये किया था कि जो रोमन रेंस, पॉल हेमन और जो लेसनर का सेगमेंट है वो होता शो की ओपनिंग के अंदर, यानी कि शो को हमें ये वाला जो पूरा सेगमेंट है वो ओपन करता हुआ नजर आता और मेन इवेंट के अंदर होता द न्यू डे वर्सेस उसोस के बीच मैच, जो कि हमने देखा वो हुआ था मेन इवेंट से पहले। WWE को लगा क्यों ना भैया पहले मेन इवेंट के अंदर हम लोग ये मैच करवा लेंगे और शो की ओपनिंग कुछ इस धांसू वे में होगी जब रोमन रेंस हमें फायर करते हुए नजर आएंगे पॉल हेमन को, फिर लेसनर आएंगे और लेसनर आके बचा लेंगे। लेकिन कुछ घंटे पहले WWE को ये लगा यार ऐसा नहीं करते, इसकी शो की ओपनिंग नहीं करवाते, शो का मेन इवेंट ऐसा करवाते ताकि जो फैंस हैं वो इस वाले स्मैकडाउन की एक अच्छी याद के साथ जाएं, क्योंकि हम लोग जानते हैं मान लो शो की अगर ओपनिंग ऐसे होती और मेन इवेंट के अंदर न्यू डे और वो वाला मैच होता तो मेरे हिसाब से उतनी ज्यादा हाइप नहीं बनती स्मैकडाउन की जितनी एक्चुअल में बन चुकी है। तो हां आखिरी में WWE ने डिसीजन लिया, पूरी हाइप बनाई, भैया लेजनर आ रहे हैं, रोमन आ रहे हैं, दोनों एक ही शो पर हैं, और फाइनली मेन इवेंट के अंदर ये सीन हुआ, जो कि मेरे हिसाब से WWE का काफी अच्छा डिसीजन था, वरना शो की ओपनिंग के अंदर ये चीज उतनी ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहती। तो भाई ये कुछ वो प्लान के चेंजेस हैं जो कि WWE ने किए थे रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के अंदर रोमन रेंस, लेजनर और पॉल हेमन को लेकर। जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो बड़ी सरप्राइज रिटर्न के बारे में जुड़ी है, जो कि टीज हो चुकी है रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के बाद, होता गया स्मैकडाउन के शो के शो के ऑफ एयर के बाद हमारी फॉर्मर स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन जो बेली है वो टीज करती कि उन्हें एक बार फिर से बहुत जल्दी वापस आना है। अब जो लोग चैनल पर एक्टिव रहते हैं उन्हें बात बताओगी, आज से कुछ टाइम पहले बेली ने अपनी स्ट्रीम के ऊपर ये बात कही थी कि मुझे काफी जल्दी वापस आना है, मेरा घुटना वगैरह पूरा सही हो चुका है। और बेली क्या करती है, वो स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद हमें एक ट्वीट करती हुई नजर आती है जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। वो कहती है वेल आई वांट अ रेसल, यानी कि भैया मुझे आना है वापस और मुझे करना है रेसल। अब बेली का पूरा मूड है उन्हें वापस आने वाले रेसल डेफिनेटली करना है, और बेली ने जैसा कहा था कि टाइम बहुत ही कम बचा है, एक बार फिर से उनकी वापसी होगी। तो लगे सर अब बेली पूरी तरीके से रेडी है, अब WWE और जो बेली एक परफेक्ट मोमेंट, एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रही है जब बेली की हमें रिटर्न दिखाई देगी एक बार फिर से WWE के अंदर। प्रोबेबली वो हो सकता है Day 1 2022 का शो, मान लो शायद फिर टोनी स्ट्रोम का मैच होता है, यहाँ टोनी स्ट्रोम न्यू चैंपियन बनती है तो वहां से पीछे से अटैक करती है बेली, और बेली फिर डिमांड करती है टाइटल शॉट की, या फिर ऐसे भी हो सकता है जो बेली है सीधा हमें 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के अंदर वापस आती हुई नजर आए और वहां से उनका WWE का एक बार फिर
ऐसे सिलसिला हो जाए रिटर्न का स्टार्ट। अब देखते हैं WWE किस तरीके से उनके रिटर्न प्लान करते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये बात कंफर्म है कि बेली अब इंटरेस्टेड है एक बार फिर से उनकी वापसी के लिए। क्या आप लोग देखना चाहोगे कि जल्दी से जल्दी एक बार फिर से बेली वापस है इन रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कॉमेंट सेक्शन में। भी ये चुन्नी छोटी मोनी सी वीडियो हो सकती है, अब चुन्नी मोनी क्या होता है मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन अगर फिर भी वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक। और बाकी क्या क्या करना पता ही होगा ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।